हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें अपने मोबाइल से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में टेक विद आसिफ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को से क्लिक करिए, इससे क्या होगा कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे, हमारे इंडिया में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। आप भी कोरोना वायरस से बचना चाहते हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएँ, आप भी सेफ रहें, अपने परिवार को भी सेफ करें। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप करना है कोविन। कोविन टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कोविन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा रजिस्टर साइन इन योर सेल पर, आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड मेंबर पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन, यहाँ पे आपको ऐड करना है। देखिए फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पे आपको एक आईडी डालना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, जिस आईडी से भी आप बनाना चाहते हो उस आईडी से आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप आधार कार्ड क्लिक करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड आएगा। फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे अगर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ईयर ऑफ बर्थ पर क्लिक कर लेना है। ईयर ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल पे क्लिक कर लेना है। शेड्यूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पर लोकल पिन डाल के भी आप सर्च कर सकते हो कि यहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, या फिर आप सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, अगर आप जिस स्टेट से भी वहाँ पे कर सकते हो, झारखंड से, बिहार से हो, दिल्ली से, कर्नाटक से हो, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट कर दो, फिर यहाँ पर आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे एज 18 प्लस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए आ जाएगा। दो तरह का यहाँ पे इंडिया में कोविशील्ड और कोविल वैक्सीन अभी सबको लगाया जा रहा है। 18 प्लस से लेकर 45 प्लस तक के लोगों को वैक्सीनेट अभी किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डेट वाइज क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 19 मई का डेट पर यहाँ पर सारे बुक हैं यहाँ पर कोविशील्ड, तो आप यहां पे रेगुलर चेक करते रहें। आपको 19, 20 या 21 जिस डेट पे भी आपको खाली मिलेगा आपको स्लॉट बुक कर देना है, अपॉइंटमेंट ले लेना है, फिर यहां पे आपको डन कर देना। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे आप अपने मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हो, वैक्सीन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो खुद भी सेफ़ हो, आप अपने परिवारों को भी सेफ़ रखें, आप भी वैक्सीनेट होकर आप भी सेफ़ रहे, अपने परिवार को भी सेफ़ रखें। तो आई होप सो गाइस कि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे जाके कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।